नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और हमारा जो विषय है हिंदी। हिंदी में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है क्षितिज भाग 1 और उसका जो गद्यखंड है गद्यखंड के तीसरे अध्याय का श्यामा चरण दुबे, जिन्होंने लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हर प्रकार से हर कोई जो है उसके वशीभूत हो जाता है। तो इसी को इसमें बताने का प्रयास श्यामा चरण दुबे जी द्वारा किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम श्यामा चरण दुबे जी का जो चरित्र है, जो जन्म है, जो जीवन है, उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामा चरण दुबे, अब श्यामा चरण दुबे जी का जो जन्म है सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। अब श्यामा चरण दुबे जी का जो जन्म है वो सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारतीय अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। अब देखिए, ये समाज वैज्ञानिक रहे हैं, यानी कि समाज के अंदर किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से क्या घटित हो रहा है, उसका ये वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया है। समाजशास्त्री कह सकते हैं इनको अपने। तो इनका जो ध्यान था 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब ये हिंदी के अंदर इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं वो है मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, ये इनकी हिंदी की प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। अब ये अध्यापन जो है, अध्यापन का मतलब पढ़ाना, कि इन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है और अनेक संस्थानों में जो प्रमुख पद पर रहे हैं, जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएँ उल्लेखनीय हैं। अब जीवन, समाज और संस्कृति के जो ज्वलंत विषय हैं तो उनके ऊपर उनके जो विश्लेषण हैं और जो स्थापनाएँ हैं वे उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। अब जो भारत की जो जनजातियां हैं, जो ग्रामीण समुदाय है, तो उसको केंद्र में रखकर इन्होंने जो लेख लिखे हैं, तो उन लेखों ने बृहत यानी कि बड़ा जो समुदाय है, बड़े समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया है, ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। अब इसमें जो जटिल विचार थे ना, कठिन जो विचार है, उनको तार्किक विश्लेषण के साथ में सहज भाषा में ये प्रस्तुत कर देते हैं। तो अब जो अध्याय इसमें संकलित किया गया है, लिखा गया उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब ये निबंध है एक, तो उसी का हमें अध्ययन करना है इसमें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए इसका जो मूल भाव है वो पढ़ लेते हैं, अपने जान लेते हैं कि जो हम अध्याय पढ़ने वाले हैं उसका मूल भाव क्या है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। अब ये जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है ना, तो इसके माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि किस प्रकार से हम बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं और जो समाज है वो किस प्रकार से इसकी गिरफ्त में जा रहा है, तो उसी वास्तविकता को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण से, अब वास्तविक वस्तु कैसी है कैसी नहीं उसका हमें पता नहीं है, लेकिन विज्ञापन अगर चमक दमक वाला है तो हर कोई उस वस्तु के पीछे भाग रहा है। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। अब देखिए, लेखक बताना चाहते हैं कि हमारी जो निगाह गुणवत्ता पर नहीं है बल्कि उसके जो विज्ञापन है उसके ऊपर है कि वो कैसा है, कौन सा जो हीरो है, जो अभिनेता है, उसको बता रहा है उस विषय के बारे में, उस वस्तु के बारे में।
है ना, विज्ञापन दे रहा है, कौन सी अभिनेत्री उसके बारे में बता रही है, तो हमारा ध्यान सिर्फ उस तरफ है, उसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं है हमारा, बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान होना चाहिए। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न हैं, जो हर प्रकार से पैसे में अमीर कह सकते हैं, अभिजन जिनके पास में अधिक पैसा है, जो अपने आप को जो उच्च वर्ग में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रदर्शनपूर्ण जो जीवन शैली को अपनाया जा रहा है जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखता है। अब देखिए, सामान्य व्यक्ति उनके समान बनना चाहता है, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। अब देखिए, लेखक अपनी पीड़ा को इसमें व्यक्त कर रहा है। वो कहते हैं कि यह जो है विकास, सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है कि सभ्यता विकसित तो हो रही है, लेकिन ऐसा विकास जो वो चिंताजनक है कि हम केवल चमक दमक को ही देख रहे हैं, उसकी गुणवत्ता को नहीं देखते, और हर प्रकार से प्रदर्शन जो है, प्रदर्शनपूर्ण जो जीवन है उसको अपनाना चाहते हैं, तो यह जो सभ्यता का विकास है जो हो रहा है वो चिंताजनक है और जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। अब देखिए, लेखक का मानना है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, अब दिखावटीपन जैसे जैसे होगा तो समाज में अशांति बढ़ेगी और विषमता भी बढ़ेगी, यह तो स्वाभाविक है ही। अब मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई जो है व्हीकल लेके आया है या कोई सामान लेके आया है और आपके पास नहीं है, तो आप भी वह सामान लेके आने की चेष्टा करेंगे, तो जिससे कि सामाजिक जो जीवन है, जो रिश्ते हैं, उनमें अशांति और विषमता की जो भावना बढ़ती रहती है। तो उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है, तो लेखक कहते हैं कि यह जो दिखावे की संस्कृति को फैलाती है और सामाजिक अशांति और विषमता का कारण भी बनती है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा मूल अध्याय है उपभोक्तावाद की संस्कृति। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जहाँ साबुन, शीतल जल है ना, और सुपर ऑफर भी दिया हुआ है, इस प्रकार का लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से हम इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। और लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। अब नई और पुरानी जीवन शैली कैसे हो गई, कि जो पहले था तो उसमें दिखावटीपन कम था और जो गुणवत्ता थी उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्या है, उसका विपरीत हो गया है। तो अब क्या, दिखावटीपन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और गुणवत्ता को नकारा जा रहा है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। अब देखिए, लेखक ने कितने सहज शब्दों में बात कही है कि जो नई, एक नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित हो रहा है और साथ ही साथ एक नया जीवन दर्शन आ रहा है, वो कौन सा दर्शन है, वो है उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। अब देखिए, लेखक कहता है कि यह जो उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ना, वो चारों ओर जो भी उत्पादन हो रहा है, यह उत्पादन आपके लिए ही है और आपके भोग के लिए, आप उसका इस्तेमाल करें, उपयोग करें, और ये आपके सुख के लिए है। अब देखिए, सुख शब्द के आगे व्याख्या बता रही है कि सुख की व्याख्या बदल गई है। अब सुख की व्याख्या बदल गई है, वो कैसे बदल गई है, देखिए कि उपभोग भोग ही सुख है, कि उपभोग भोग ही सुख है, यानी कि जो हमारे लिए, हमारे उपयोग के लिए दी गई है उसका ही भोग करना, उसको हमें जो है प्रयोग में लेना, वह ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। अब सूक्ष्म मतलब छोटा सा बदलाव आया है, थोड़ा सा बदलाव आया है, वो कौन सा है, कि उत्पाद तो आपके लिए हैं पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रही हैं। अब देखिए, लेखक कहता है, जो लेखक की चिंता है जो उपभोक्तावाद की संस्कृति को लेकर है, तो लेखक कहता है कि जो उत्पाद है वो आपके लिए ही हो रहा है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बताया है लेखक ने,
पर आप यह भूल जाते हैं। तो देखिए लेखक क्या हमें याद करवाना चाहता है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। अब देखिए लेखक कहते हैं कि जाने अनजाने में आपका जो चरित्र है ना इस माहौल में उपभोक्तावाद की संस्कृति में दिखावटीपन के अंदर आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, जो उत्पादन है ना उनको समर्पित हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट अपने कहते हैं तो उनके प्रति समर्पित हो गए हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। अब देखिए विलासिता की सामग्रियां जो हैं, सुख की जो सामग्रियां हैं वो बाजार में भरी पड़ी हैं और जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश करती हैं, अब आपको हर प्रकार से आकर्षित करती हैं। अब अपने कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन अपने मन में आता है कि हमारे भी सोफ़ा होना चाहिए जो नरम हो, है ना। तो इस प्रकार से हर कोई जो चीज़ है, जो विलासिता की सामग्री है, उससे बाज़ार भरा पड़ा है और वो आपको हर प्रकार से लुभाने की कोशिश कर रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब देखिए दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं, साधारण वस्तुएं हैं, उनका उदाहरण इसमें लेखक दे रहा है कि टूथपेस्ट चाहिए। अब टूथपेस्ट चाहिए, दंत मंजन जिसको अपने करते हैं, पहले दातुन वगैरह का प्रयोग किया जाता था लेकिन आजकल हमें क्या चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए। यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुँह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। तो ऐसे जो विज्ञापन है वो आते हैं, वह सब करके जो तीन चार पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनि द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण दिया है इन्होंने कि टूथपेस्ट जो है, जो सुबह सुबह अपने करते हैं, तो उसके अंदर भी किस प्रकार की हमारी जो धारणाएं बनी हुई है कि यह दांतों को चमकीला बनाता है, मजबूत बनाता है, मसूड़ों से जो मुँह की दुर्गंध नहीं आती है, मसूड़े मजबूत होते हैं और यह पूर्ण सुरक्षा देते हैं, ऐसी जो विज्ञापन है आज के समय में भी हम देखते हैं दूरदर्शन पर, टीवी चैनल्स पर आप देखते होंगे। और इसमें भी अलग अलग प्रकार की जो पेस्ट हैं, तीन चार प्रकार की पेस्ट जो है वो प्रयोग आ रही हैं और किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, और कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, अब जो चाहे चुनिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए अगर पेस्ट हमारा अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुँच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रश हैं वो भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उसमें फ्लेक्सिबल यानी कि जो मुड़ जाता है हर तरफ से, तो आपने ऐड देखी होगी, विज्ञापन देखे होंगे, तो उसमें भी अलग आकार का, रंग का, बनावट और पहुँच जो है कि पीछे तक पहुँच होनी चाहिए, दांतों की अच्छे से सफाई करने वाला होना चाहिए और एक से बढ़कर एक जो है वो आपको ब्रश भी मिल जाएंगे। मुँह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। अब देखिए हमने पेस्ट तो कर लिया, ठीक है, ब्रश भी बढ़िया ले लिया, लेकिन दुर्गंध नहीं आए मुँह में से, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए सूची तो काफ़ी हो सकती है, पहले कौन से माउथ वॉश वगैरह होते थे, कौन से ब्रश होते थे पहले, है ना, कौन सी पेस्ट वगैरह का प्रयोग किया जाता था, सिर्फ नीम की दातुन तोड़ के कर लिया, बबूल की दातुन जो है उसको कर लिया, तो उससे भी तो दांत स्वस्थ रहते थे, मजबूत रहते थे और मुँह से बदबू नहीं आती थी, दुर्गंध नहीं आती थी। लेकिन आजकल देखिए किस प्रकार से दिखावटीपन बढ़ गया है। अब लेखक कहते हैं कि इसकी सूची और भी लंबी हो सकती है पर इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। देखिए लेखक कहते हैं कि जो बहुविज्ञापित है, जिनका बार बार विज्ञापन आ रहा है, और जो बहुत कीमती हैं ब्रांड जो हैं उनको खरीदेंगे आप, तो सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। अब देखिए जो सौंदर्य प्रसाधन है, ये तो सिर्फ एक पेस्ट का उदाहरण दिया था, लेकिन जो सौंदर्य प्रसाधन है उनकी जो भीड़ है वो आपको चमत्कृत कर देती है, आकर्षित कर लेती है अपनी ओर कि हर माह उसमें नए नए उत्पाद जो है जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, अब पहले पेस्ट का उदाहरण दिया लेकिन सौंदर्य प्रसाधन के अंदर इन्होंने साबुन का उदाहरण दिया, जो सबसे सामान्य सी एक चीज़ है। एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है, जर्म यानी कि कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है,
तो यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य है, उनका मनपसंद साबुन। अब देखिए कि जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है तो उतना ही लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब साबुन का उदाहरण दिया है कि एक हल्की खुशबू वाला और एक तेज़ खुशबू वाला भी है, और एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, और दूसरा पसीना रोकता है, और तीसरा बताया कि कीटाणुओं से रक्षा करता है, और फिर कहा है कि इसमें कि यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। जो सिने स्टार्स हैं ना, जो अभिनेत्रियाँ वगैरह हैं, जो अभिनेता हैं, तो उनके सौंदर्य का रहस्य क्या है, उनका मनपसंद साबुन कौन सा है, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। अब सच्चाई का अर्थ क्या है वो बता रहे हैं इसके अंदर कि देखिए सच्चाई क्या है, शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगाजल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। संभ्रांत कहा गया है कि जो धनाढ्य परिवार से संबंधित है महिलाएं, तो उन महिलाओं की जो ड्रेसिंग टेबल है उन पर 30-30 हज़ार की जो सौंदर्य सामग्री है वो मिल जाएगी, वो मामूली सी बात है उनके लिए। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। अगर पेरिस वगैरह से परफ्यूम मंगवा रहे हैं ना, अपने इत्र वगैरह मंगवा रहे हैं, तो इतना ही और अधिक खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। अब देखिए ये प्रतिष्ठा का सूचक बन चुकी है आजकल ये, और ये समाज में आपकी हैसियत क्या है, आप कितना अधिक रुतबा रखते हैं, कितना लोग आपको अहमियत देते हैं, तो इसकी पहचान वो इससे करते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब पहले ये महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, अब है आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आई है। अब आफ्टर सेव यानी कि सेव के बाद में लगाना, फिर कोलोन वगैरह लगाना, ये बाद में आई हैं। अब तो इस सूची में दो दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। तो देखिए किस प्रकार से आज की जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, और किस प्रकार से हर कोई जो है उसकी ओर दौड़ा हुआ आकर्षित होता है, और ये एक प्रतिष्ठा का सूचक बन चुका है। तो इसमें सिर्फ विज्ञापन को ही हम अहमियत दे रहे हैं, महत्ता दे रहे हैं, बल्कि उसकी जो गुणवत्ता है तो उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो इसमें एक छोटा सा उदाहरण दिया था पहले टूथपेस्ट का, फिर उसके बाद में साबुन का उदाहरण दिया है, फिर परफ्यूम वगैरह का दे रहे हैं इसमें। तो इसके बाद में कहते हैं, लेखक कहते हैं कि इसमें महिलाएं ही आगे नहीं बल्कि पुरुष भी इस दौड़ में अब आ चुके हैं, पुरुष भी अब इस दौड़ से पीछे नहीं बचे हैं। अब उनके लिए भी साबुन तेल से जो काम चल जाता था, अब उनके लिए भी काफ़ी जो सौंदर्य के प्रसाधन वगैरह जो आ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया है कि एक छोटे से उदाहरण के द्वारा भी लेखक जो है वो बताना चाहता है कि किस प्रकार से हम जो है इस उपभोक्तावाद की संस्कृति की जकड़न में जकड़ चुके हैं। तो ये था भाग एक, और बाद में जो भाग दो है उसके अंदर भी हम आगे अध्ययन करेंगे अन्य जो सामग्रियां हैं, किस प्रकार से वो हमें आकर्षित करती हैं, किस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ाती हैं, तो उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।